फ्रेंड्स, आज 12 मार्च है। आज डे 5 पे हमारा टूर का। कल हम जोधपुर पहुंच गए थे जैसलमेर से घूमने के बाद। आज सुबह हम ब्रेकफास्ट के बाद जोधपुर का लोकल व्यू देखेंगे, लोकल साइट सीइंग करेंगे, और उसके बाद फिर रात को एक शादी अटेंड करेंगे। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग 13 तारीख सुबह लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। आज हम उम्मेद भवन म्यूजियम देखने जा रहे हैं। रोड काफी बढ़िया है, दोनों तरफ फूल है। देखते हैं अंदर क्या क्या देखने के लिए है। उम्मीद पहले से पहुंच चुके हैं, अभी गाड़ी पार्किंग करके जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। काफी लोग आए हैं, टूरिस्ट लोग। टाउन का व्यू देख सकते हैं आप, ये पहाड़ के ऊपर ही है। गाइड के लिए ओनली 250 रुपीज चार्ज करना कम, तो पेटीएम कर दो। पैलेस तो यहाँ के किंग महाराजा उमेर सिंह जी ने बनवाया था। 1929 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1944 में बनकर ये कंप्लीट हो गया था। दो नामों से भी जाना जाता है, फर्स्ट उमेर भवन पैलेस, सेकेंड चित्तर पैलेस। महाराजा उमेर सिंह जी ने बनवाया इसलिए इसे उमेर भवन पैलेस कहते हैं, और चित्तर की पहाड़ी पर है इसलिए इसे चित्तर पैलेस या चित्तर का बंगला कहा जाता है। पिंक सैंड स्टोन से बना है और इसे बनाने के लिए लाइमस्टोन पाउडर या सीमेंट यूज नहीं। देखिए कितना सुंदर है, कितना भव्य है। तीन पार्ट है, एक पार्ट ताज ग्रुप ने ले रखा है, सेकंड पार्ट जो राजा है यहाँ का प्रेजेंट वो रह रहे हैं, प्रॉपर्टी ओनर जो है, थर्ड पार्ट म्यूजियम है जो अभी हम विजिट करेंगे। ये रॉयल फैमिली कितने मेंबर होंगे इसमें? प्रेजेंट किंग है। यहाँ पे पैलेस को बनाने की कॉस्ट लगभग 1 करोड़ का खर्चा आया था। उससे पहले 40 करोड़। इस तरह फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हुई है। प्रिया कटो फैन देखिए, ओनली दो ब्लेड है। ऊपर का व्यू भी काफी बढ़िया है। पुराना फोटोग्राफी से ये इस पार्ट को कन्वर्ट किया गया है म्यूजियम में। लेफ्ट वाला रॉयल फैमिली के पास है, रॉयल रेसिडेंस। म्यूजियम के बैक साइड पोर्शन से लेकर लास्ट तक का पोर्शन कन्वर्ट किया गया है होटल में। सेंट्रल डोम के नीचे रिसेप्शन है, होटल के गेस्ट को यहाँ रिसीव किया जाता है। चार कोर्ट यार्ड बने, दो स्मॉल कोर्ट यार्ड फ्रंट साइड में है और बिग कोर्ट यार्ड लेफ्ट और राइट साइड। कौन से वाले कोर्ट यार्ड? वो जो स्पेस है। हाँ, अच्छा, लेफ्ट और राइट। ये जो हार्ट लगा हुआ है हनुमान जी का है। सीलिंग की हाइट भी ज्यादा है, क्या था
लेपर्ड्स को माउंट आबू से लेपर्ड्स की स्किन रियल है, स्टेप करके केमिकल लगा के रखे गए। अच्छा, रियल नहीं है इनकी क्योंकि इन्हें प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। फोटो है नहीं, ये वाले इनके फादर पग्गे में यूज होता है। ये घोड़ा रखा है, देखिए घोड़ा में जो जो सामान रहता है उसके लिए। कैंडल्स पेन फैन भी चालू हो गया है, बहुत बढ़िया, काफी पुराना है लेकिन काम कर रहा है। अरे वहाँ तो गवर्नमेंट ही है, बड़े ग्रैंड है स्कूल ना बड़े कटे जी है। इस सीलिंग में जो गोल्ड लगा है वो गिरता नहीं है, सब 24 घंटे वाला। घड़ी का कलेक्शन है पूरा इधर। टाइम है, बैरोमीटर, टेम्परेचर, कैलेंडर सेट किया जा सकता था। 1895 बहुत बढ़िया कलेक्शन। म्यूजिक होता था, कहीं भी जाते होंगे इनको गिफ्ट मिलता होगा तो कुछ नहीं, लाइक लेके भी आते थे, कुछ गिफ्ट में भी मिले हुए। जो एयर क्रैश में आप बता रहे थे क्या नाम था? अच्छा, बट ही अभी इनके पास खुद के जेट बेट नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोधपुर का पहला पुराना फोटो है। देखिए पैलेस म्यूजियम घूमने के बाद उम्मेद पैलेस म्यूजियम, अभी विंटेज कार्स डिस्प्ले के लिए जा रहे हैं हम। सो फैंटम वन सब विंटेज है, जोधपुर नंबर वन, नंबर वन। ये फैंटम टू, ये जोधपुर नंबर टू, ये पैकर